नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां मिशन 2023 की तैयारी में सीएम शिवराज जुट चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज ताबड़तोड़ हर दिन विभागों की बैठक कर विभिन्न योजनाओं और कामों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम शिवराज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक दोपहर 3 बजे मंत्रालय में शुरू होगी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज कुटीर उद्योग और पैसा कानून के नियमों की समीक्षा भी करेंगे। विभागों से हितग्राही मूलक योजनाओं की स्थिति की जानकारी भी लेंगे। इधर बारिश से हुई क्षति के आकलन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टर और अधिकारी से जुड़े और विदिशा, मुरैना, राजगढ़, भिंड, ग्वालियर की सीएम ने जानकारी जुटाई। साथ ही कलेक्टर को बाढ़ और बारिश की स्थिति को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम ने व्यवस्थाओं का अपडेट लिया, लोगों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया और सीएम ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण पैदा हुई बाढ़ और जल भराव की स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां जबलपुर विधायक संजय यादव को मेयर काउंसिल में जगह न मिलने का मामला कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला बन गया है। संजय यादव के समर्थन में कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी उतर आए हैं। इसे जबलपुर कांग्रेस दो गुटों में बट गया है और बगावत को देखते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जबलपुर के चारों विधायकों को भोपाल तलब किया है। 25 तारीख को होने वाली बैठक के पहले ही कमलनाथ ने सभी विधायकों को बुलाया। कमलनाथ के बुलावे पर कांग्रेस विधायक संजय यादव मंगलवार देर रात ओवरनाइट एक्सप्रेस से भोपाल पहुंच गए। कमलनाथ चारों विधायकों से भोपाल स्थित अपने बंगले पर चर्चा करेंगे। बता दें कि मेयर काउंसिल में जगह न मिलने से एमएलए विधायक संजय यादव नाराज हैं। संजय यादव के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी उतर आए हैं और नाराजगी के बाद भी संजय यादव को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाने की कोशिश नहीं करने पर जबलपुर कांग्रेस दो गुटों में बट गई है। कमलनाथ संजय यादव से चर्चा कर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के सभी 528 शासकीय महाविद्यालय और 16 शासकीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के NIC के ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से सीधे जुड़ेंगे। सॉफ्टवेयर से विद्यार्थियों को दुर्लभ पुस्तकें भी डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मंत्रालय में NIC और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में MOU पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे उच्च शिक्षा में अध्यंतर प्रदेश के 16 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर से विद्यार्थियों को दुर्लभ पुस्तकें भी डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी और इससे अकादमिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बता दें कि वर्तमान में देश के 28,000 शिक्षण संस्थान ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। यह मोबाइल पर भी उपलब्ध है। विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीयन कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों को इस पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे अन्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी इसका लाभ ले सकते हैं। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां असम और नागालैंड के रास्ते मध्य प्रदेश के रीवा शहर पहुंचे अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि वायरस के अटैक से 13 दिनों के अंदर ही 2200 सुअरों की मौत हो गई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पशु चिकित्सा विभाग के साथ बैठक कर संक्रमित सुअरों को वैक्सीन लगाकर मारने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुअर पालकों को महामारी से निजात और आर्थिक नुकसान नहीं हो इसके लिए पशुपालन विभाग ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। दावा है कि सुअर मालिकों को 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो वजन के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाएगी। सुअर पालकों को रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था भी प्रशासन और शासन कर रहा है। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक कारोबारी के उस वक्त होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसके नाम पर पहले से ही 10 करोड़ का लोन है। दरअसल व्यापारी तरुण कुमार जैन कर्ज लेने के लिए बैंक गया था। उसने अपने जरूरी दस्तावेज बैंक में जमा कराए। उसके बाद उसे पता चला कि उसके नाम पर पहले से ही लोन है। बैंक ने तरुण को बताया कि उस पर 10 करोड़ का लोन है। व्यापारी का आरोप है कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर किसी ने बैंक से लोन लिया है। 10 करोड़ रुपए लोन की जानकारी लगने के बाद व्यापारी के हैरान परेशान है। मंगलवार को उसने SP से मदद की गुहार लगाई है। SP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई। गांव से लेकर शहर तक सब जगह पर हालात बिगड़ते नजर आए। तबाही के बीच मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर मौसम विभाग की ओर से आई है। मौसम विभाग ने बारिश के रेड अलर्ट जोन से मध्य प्रदेश को बाहर कर दिया है। मौसम विभाग ने MP को रेड अलर्ट जोन से बाहर कर दिया है। हालांकि प्रदेश में अभी भी हल्की बारिश होती रहेगी। विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की बौछार होने का अंदेशा जताया है। साथ ही चंबल, ग्वालियर, शहडोल, रीवा, जबलपुर और सागर में भी ऐसा ही मौसम रहेगा और कई जगहों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धार, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।